माननीय को मेरा प्रणाम नमस्कार। मेरा पहला है तो मेरे कान में आके बोल गए हैं, मुझे पहले पढ़वा दो, कहीं लड्डू खत्म ना हो जाए। मेरा फर्स्ट टाइम है जबकि मैं कुछ इस तरीके से प्रेजेंट कर रही हूँ। मैं अभी डॉक्टर साहब ने कुछ पंक्तियाँ कहीं, तो मैंने मेडिकल लाइन छोड़ा किस लिए और कविता में किस लिए आई, मैं उस पर कुछ पंक्तियाँ कहूँगी। सिचुएशन, मेरा नाम रश्मि मिश्रा है वैसे तो सरनेम, लेकिन मैं यूज़ करती हूँ रश्मि पहली किरण। तो मेरे साथ कुछ एक इंसिडेंट हुआ, एक क्षण में सुनाना चाहूँगी कि मैंने एक डिलीवरी जब कंडक्ट की तो उसको ट्विंस बच्चे थे, वो मुस्लिम लेडी थी। उसने जब एक बच्चा हो गया तो उसके हस्बैंड का बाहर से आवाज़ आया कि मोहतरमा हो गया, तो उसने कहा मैडम आप मुझे ये बताओ कि मुझे लड़का हुआ है या लड़की। मैंने कहा आपको लड़की हुई है। उसने कहा मैडम मैं आपको हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची के बारे में मेरे पति को अभी मत बताना, दूसरा बच्चा देख लो कि मुझे बेटा होता है या बेटी। मतलब वो बहुत ही 5 मिनट का अंतर होता है, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से समझते हैं जब एक बच्चा होता है और दूसरा होता है, और मैं खुद थी करीब बहुत छोटी सी बच्ची, तो मेरे लिए कितना मतलब होगा, मैं अब तक सिहर रही हूँ। तब मेरे अंदर से कुछ पंक्तियाँ निकली, वो कुछ इस प्रकार है। उस कविता का नाम है पुकार। रोती हुई बच्ची ने समाज से की पुकार, रोती हुई बच्ची ने समाज से की पुकार, मत मारो मुझे दे दो जीने का अधिकार। माँ माँ सुन ना, माँ सुन मेरा भी मन करता है, मैं भी सुन लूँ तेरी पायल की झनकार। रोती हुई बच्ची ने समाज से की पुकार। ये पोएम जो है बेसिकली भ्रूण हत्या पर है कि मतलब एक बच्चा जब गर्भ में होता है तो क्या सोचता है, क्योंकि जो बाहर आ जाता है उस सबके बारे में हम सबने बात की है, लेकिन वो बच्चा जो अंदर है वो भी तो अपनी माँ को महसूस करता है, और एक नारी इस बात को भली भांति समझती है। आज मैं भी माँ हूँ तो मैं भी समझती हूँ। कर जोर विनती करूँ मैं आप सभी से, कर जोर विनती करूँ दे दो मुझे थोड़ा सा जीने का अधिकार। जी करता है मैं भी सुन लूँ वो पायल की झनकार। बता दो खता मुझे मेरी, आप सभी बता दो मुझे खता मेरी, आत्मग्लानी का कुछ समय तो दो। मतलब उसको ये नहीं पता कि मेरी गलती क्या है, लेकिन अगर है तो औरतों के नेचर में होता है कि गलती है कोई बात नहीं एडमिट किया, लेकिन आप मुझे एक टाइम तो दो। तो वो वही कह रही है, वो बच्ची कह रही है कि बता दो खता मुझे मेरी, आत्मग्लानी का कुछ समय तो दो, मैं अपने आप को अपने रूप को अपने गुण को अमृतत्व तक पहुँचा सकूँ, इसके लिए आप मुझे जीवन का एक वरदान तो दो। रोती हुई बच्ची ने समाज से की पुकार, मत मारो मुझे दे दो जीने का अधिकार। उसके बाद वो कहती है अपने माँ के बारे में कि माँ मैं अपने सर्वस्व को भूल जाती, माँ मैं अपने सर्वस्व इस दुनिया के आडंबर को भूल जाती, और पापा और दादा दादी के किए अत्याचारों को भी भूल जाती, तेरे आंचल में जो छुपती मैं इस दुनिया के सारे गम को भूल जाती। माँ तू ही तो सुन ले, तू तो दे दे मुझे जीने का अधिकार, मत मार मुझे माँ दे दे जीने का अधिकार। उसके बाद एक बड़ा ही अच्छा रिश्ता आता है भाई बहन का, मतलब बचपन से हम बड़े होते हैं ना, वो एक पहला मेल पर्सन होता है जिसके साथ लड़ाई भी होती है प्यार भी होता है। तो वो क्या कहती है कि भरती भाई की कलाई, भरती राखी पर भाई की कलाई, और दिवाली पर दियों को टीका लगाती मैं भाई दूज पर, हर्षो उल्लास के पल को, और समेट लेती मैं अपने आंचल में उस एक एक पल को। माँ मत मारना मुझे दे दे जीने का अधिकार। और मेरा इसके बाद एक लड़की जब बड़ी होती है तो दूसरे घर में जाती है, तो बड़े सारे सिचुएशन आते हैं। लास्ट दो पंक्तियां हैं इसमें मैं करूंगी, और समाज से एक क्वेश्चन है मेरा आप सभी से, कृपया इसको ध्यान से सुने। राखी पर बड़ी होकर कुछ नाम कमाकर, बेगानों को अपना बनाकर, उनका वंश बढ़ाती और उनके घर का नाम रोशन करवाती। माँ मैं भी तो ये सब करती ना, माँ मत मार मुझे। और लास्ट में वो कहती है कि माँ पढ़ ना जाने समझ सके ना क्यों ये सारी बातें तुम सब, पढ़ ना जाने क्यों समझ सके तुम सभी ये बातें, और ना तुम समझ कर भी ना समझ बने रहे ना जाने क्यों, ना तुम सब समझ सके मेरी ये करुण रुदन, और ना दिया तुमने मुझे अधिकार ताकि मैं भी सुन सकूं वो पायल की झनकार, ताकि मैं भी सुन सकूं वो पायल की झनकार।